उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी, मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण अस्थिपिंज साफ दिखाई दे रहे थे। छोटा बच्चा भोला, अरे भैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दो। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में ये ठहर से गए। जीवन को देख मेरा मन भर आया, सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैं उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि मैं कितना कंजूस हूँ, 10 रुपए में क्या मिलेगा, ढंग से चाय भी नहीं मिल पाएगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौट गया। मैं बच्चों से कहा कुछ खाओगे, बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों भूख के कारण तैयार हो गए और वो लोग उसके साथ जाने लगे। वो तीनों लोग होटल के अंदर जाने लगे। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। बोला भागो भिखारी, कहाँ कहाँ से आ जाते हो होटल में खाना खाने। मैंने कहा भाई लोग, उन लोगों को जो खाना चाहिए वह दो, मैं उन लोगों का पैसा दूंगा। होटल वाले ने मेरी ओर आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में उसके लिए आश्चर्य, कर्तव्य और शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। हम लोग होटल से नाश्ता करके जा रहे थे, तभी मुझे एक बात याद आई। मैंने बच्चों को कहा बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें 1 रुपया का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले भंडारा में खा लेना और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे और मैं वहाँ से स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। मैं रास्ते से जा ही रहा था, थोड़ा मन भारी लग रहा था, मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया, मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा हे भगवान आप कहाँ हो, इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गया, मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। वह अपने मन में सोचने लगा, ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था हम निमित्त मात्र हैं, उसके कार्य कलाप के वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वो हमें उस काम के लायक समझता है। किसी मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। चलिए आज की सुहानी सुबह का शुभारंभ करें कुछ इसी संकल्प के साथ कि भिक्षावृत्ति को हम बढ़ावा ना दे लेकिन अशक्त, लाचार और भूखे की मदद हम जरूर करें। ईश्वर से प्रार्थना, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और इस लायक बनाए। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। पहले अपना आप सुधारे, आओ यारो मिलजुल कर हम मानवता का रूप निखारे। सीख आप लोग किसी गरीब या लाचार की मदद जरूर करें।